देखिए SBS Originals में अब सीधा रुख करते हैं केप टाउन का। क्या है ना, SBS Originals रिपोर्टर कलीम सलमानी जो है आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स लेकर आ रहे हैं केप टाउन के ही नहीं बल्कि हमारे खतरों के खिलाड़ी के साथ कैंडिड मोमेंट्स की भी। तो आज आपको लिए चलते हैं सेट पर और दिखाते हैं कि ये जो एक्शन पैक्ड सीन्स आप देखते हैं ना, सीक्वेंसेस देखते हैं, उसके पीछे कितनी तैयारी लगती है और बिहाइंड द सीन्स जो कैंडिड मोमेंट्स होते हैं विद रोहित शेट्टी एंड ऑल, वो भी नजारा आपको देखने को मिलेगा सिर्फ यहाँ। और कहा हमारा काम है आप तक सबसे अलग, सबसे हटके कंटेंट पेश करने का। आज केप टाउन में हमारा डे 4 है और आज भी हम आपको एक खास झलक दिखाने जा रही हैं, जहां खतरों के खिलाड़ी के होस्ट रोहित शेट्टी नजर आएंगे। आज हमारे साथ साथ केप टाउन में रोहित शेट्टी की मुलाकात होगी कुछ खास मेहमानों से जो उनके डाई हार्ड फैंस हैं। खास बात तो ये है कि इन फैंस ने रोहित शेट्टी की स्पेशल कस्टमाइज्ड टी शर्ट पहनी हुई है, जिसको देखने के बाद रोहित ने इसे और भी ज्यादा खास बना दिया अपना ऑटोग्राफ देकर। वैसे आपने कैमरे के सामने के नजारों को तो अक्सर देखा है, लेकिन बैक एंड पर किस तरह से काम होता है और कैसे पूरी टीम इसे मैनेज करती है, चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लॉरेंस फोर्ड में हैं, जहां पर खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 जो है शूट हो रहा है। तो आज हम आपको कुछ BTS मोमेंट दिखाने वाले हैं कि यहां पर कि किस तरह से शूट किया जाता है जब आउटडोर कोई शूट होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा जो है प्रोडक्शन किस तरह से सेटअप करके रखता है, क्योंकि ये इंडिया की तरह नहीं है कि कहीं पर एक सेटअप लगा दिया जाता है, बल्कि यहाँ पर हर दिन हर नया जब स्टंट होता है तो हर एक लोकेशन पे, नए नए लोकेशन पे जाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गाड़ियाँ इतनी वैन होती है कि यहाँ पर कुर्सी और बाकी के जो सामान होते हैं बहुत ही आसानी तरीके से रखे जाते हैं। और इस तरफ अगर आप आएँ तो ये पूरा टेंट लगा दिया गया है, यहाँ पर बारिश का मौसम भी है इसलिए बकायदा हर चीज़ का ख्याल रखा गया है ताकि कोई भी एक्टर्स को, कलाकारों को कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो है वो बैठ के खाना खाते हैं। और यहाँ पर अगर आप इस तरफ आए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरा ब्रेकफास्ट, पूरा खाना, पूरा हर चीज़ यहाँ पर मुहैया की जाती है कि एक्टर्स जब भी आते हैं तो उन्हें हर चीज़ यहाँ पर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चाय, कॉफ़ी वगैरह, अगर किसी को एप्पल या कुछ खाने के दिल करे तो वो खा सकते हैं। और यही वो प्लेस है कि जहाँ पर वो बैठकर अपना नाश्ता करते हैं। और हम आपको बता दें कि बहुत एक अच्छी चीज़ है कि जो मेकअप रूम होते हैं अमूमन इंडिया में जब आप देखते हैं कि वो जब शूट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये इस तरह की वैनिटी होती है जहाँ पर एक्टर्स अपना जो है कपड़े चेंज करते हैं और मेकअप वगैरह करते हैं। तो ये वो जगह है। अब अगर इस ये जो पूरा सेटअप है ये मूव कर दिया जाता है कि मतलब अगर शूट ख़त्म होता है तो हर कोई तुरंत अपने अपना सामान पैक करके यहाँ से अपनी गाड़ी लेके निकल जाता है। एक अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको दिखाते हैं जिसे कहा जाता है बम्बल बी, यानी कि जो साउथ अफ्रीका का जो प्रोडक्शन है वो इसमें रहता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो बस है सिर्फ बस नहीं है बल्कि इसे बम्बल बी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है लोग सिर्फ तफरी करने नहीं आते, यहाँ पर मज़े करने नहीं आते, बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑफिस दिखेगा आपको। जैसे कि आप अगर अंदर आ जाएं तो ये जो है आपको ऑफिस नज़र आएगा, यहाँ पर जो है लोग बैठ के काम करते हैं। यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका की जो प्रोडक्शन टीम है वो यहाँ पर काम करती है, सारे स्क्रिप्ट का, सारी चीज़ों का, जो भी लिखा जोखा होता है, जो भी क्रिएटिविटी, जो कॉल लिया जाता है वो यहीं पर बैठ के लिया जाता है। क्यों है ना ये काफी इंटरेस्टिंग। उम्मीद करते हैं आपको काफी मजा आया होगा खतरों के खिलाड़ी के पीछे की मेहनत को देखकर। केप टाउन से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।